फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि जेंट्स निक्कर किस तरह से बनते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये मेरा कपड़ा है, कपड़े की इस तरह से मैंने ली है लंबाई। तो ये मेरा पूरा 1 मीटर कपड़ा है। तो देखिए, कपड़े की 2 तह लगी हुई है। यहां से मैं इसको इस तरह से डबल कर दूंगी। निक्कर की जो लंबाई है वो मुझे चाहिए 15 इंच। तो ये मेरा फोल्ड होने के बाद जो कपड़ा आएगा वो मेरा आएगा, ये देखिए, 19 इंच। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर इसमें 1 इंच मैं इसको इस तरह से मोड़ने का रखूंगी। यहां से मैं इसमें 15 इंच, मतलब 15.5 इंच मैं इसकी लंबाई रखूंगी। तो ये मेरा हो गया नेफे का, जो मोड़ने का है मुझे इस तरह से। इसका जो लंबाई है मेरी 15 इंच मुझे तैयार चाहिए। थोड़ा कपड़े को एक सार कर लेंगे तो देखिए, जो धागे वगैरह जो भी हैं, तो ये थोड़ा कम रहेगा मेरा कपड़ा। यहां से मुझे इसमें आसन लेना है 13 इंच। यहां पर मैंने 13 इंच का निशान लगाया। और इसकी जो मोहरी है, ये जो नीचे का जो पार्ट आएगा ना मोहरी, वो आएगा आपका ये 14 इंच। इसको मैं यहां से इस तरह से कर दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसको कट करने के लिए यहां से मैं इसको कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। और मैं अब इसकी कटिंग कर दूंगी। मेरे पास ज्यादा कपड़ा नहीं बचा है, तो मैं ये जो कपड़ा है इसी को ही जोड़ लगा के छोटी सी इसमें म्यानी लगा दूंगी। अगर आपके पास थोड़ा, क्योंकि इस कपड़े की ना चौड़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी, अगर ज्यादा होती तो मैं इसमें यहां से इसको इस तरह से कट करके इसमें मैं म्यानी लगा सकती। तो मैं इसी में ही जोड़ लगाकर यहां पर मैं म्यानी बना दूंगी। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां से इस कपड़े को एक सार कर दीजिए इस तरह से, और यहां पर इसको ऐसे कर दीजिए। तो ये जुड़ने के बाद आपकी जो म्यानी होगी वो इतनी चौड़ी बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहां पर मैं इसमें ऐसे कट लगा दूंगी। बंद भाग है ये मेरा, इसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि ये नेफे का है। यहां पर म्यानी लगेगी। जब मैं जोड़ लगा के अभी जब सिलना बताऊंगी आपको, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से यहां पर ऐसे बनके रेडी हो जाएगी। और इसको ये इसमें मिला देंगे इस तरह से। तो चलिए, मैं आपको सिलना बताती हूँ। इसको मैंने यहां से ऐसे जोड़ के ये बिल्कुल इस तरह से बन गया है, ठीक है। अब मैं इसका एक पीस उठाऊंगी और इसको यहां से मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगी। इसके बाद ये ऐसे इसका नेफा बना दूंगी। चलिए देखते हैं, एक पीस हटाऊंगी। नहीं, कट लिया था ना, तो मैं इसको सिर्फ यहीं तक ही सिलूंगी। ऐसे ही मैं इधर की तरफ भी इसको भी ऐसे ही इतना मोड़ के सिल दूंगी। पतला पतला सिल दिया। अब मैं इसको इस तरह से करूंगी और इसका जो नेफा है वो ऐसे बनाऊंगी और इसको सिल दूंगी। कभी भी खींचेंगे नहीं, बहुत ही आराम से इसको पतला सा मोड़ा और ऐसे रखेंगे और इसको लूज। ये मैंने नेफे को इस तरह से कर दिया है। अब ये नीचे का, ये जो था ना यहाँ पर मोहरी, अब इसको भी मैं ऐसे पतला करूंगी और ऐसे मोड़ दूंगी। यहाँ पर भी पूरे पे सिलाई लगा दूंगी। अब
ये जो यहाँ जो आसन है ना, यहाँ पर जो घुमाव था, यहाँ से मैं यहाँ तक इसमें सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद इसको इस तरह से पलट के यहाँ पर चपटी सिलाई लगा दूंगी। मैं इधर की तरफ भी मैंने ऐसे ही कर दिया है, दोनों तरफ मेरे ये म्यानी लग गई है। तो देखिए चपटी सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाए। जैसे मैंने ये पीस तैयार किया था, ये सीधा है और ये मेरा उल्टा, तो सेम ऐसे ही मैंने ये पीस भी रेडी कर लिया था। इसको मैं यहाँ पर रखूंगी और अब मैं इसको इधर से पकड़ के यहां से और ऐसे करके मैं इस पर यहां तक सिलाई लगा दूं। देखिए दिखाती हूँ, जब यहां पर इसको लेके आएंगे ना तो ये ऐसे मिला देंगे और ये और ये दोनों यहां पर मिलके तरह से ये म्यानी लग के और ये नेफा और ये एक पीस रेडी हो गया। जैसे ये इधर किया है ना, ऐसे ही मैं इसको इस पीस को यहां पर रख के मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही कर दूंगी। इसको बाहर निकाल के यहां मिला के इसको भी ऐसे ही सिल दूंगी यहां पे। अब इसमें ना इस तरह से करके ऐसे चपटी सिलाई, या तो आप इधर से सीधी तरफ से इसको ऐसे करेंगे और यहां पर चपटी सिलाई। ये एक तरफ करते जाएंगे, यहां पर इसको इस तरह से ऐसे ही दूसरी तरफ का भी। अब इसके ये दोनों जो मोहरी हैं, इनको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये यहाँ और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा। ये जो भी धागा ये जो है ना, इसको आप साथ के साथ कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरा ये निक्कर बनके रेडी हो गया है। छोटा सा इसमें आसन लगा है। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, मुझे बताइए मेरा वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय।